योगी बाबा के प्रदेश में आज मोदी थे, मेरठ से आज उन्होंने शंखनाद किया, ये बैट काहे को दिया सर? किसकी करने के लिए? आप जरा अपने शब्दों में समझाइए कि आज एक तरह से शंखनाद हुआ, ये चोरों की चंडाल चौकरी जो थी वो टोली रामलीला मैदान में थी और मेरठ में ये बैट क्यों सौंप, बाबा बैट क्यों सौंप रहे हैं? नहीं मनीष जी, ये फोटो मैंने सवेरे टेलीविजन पे लाइव भी देखी थी, ये उसके बाद ट्विटर पे भी देखी, लेकिन आपके सवाल पूछने के ढंग से मेरा बिल्कुल नजरिया बदल गया है इस बैट को लेके। सीधी सीधी बात है कि बहुत बुरी तरह से धुलाई करने के लिए मेरठ के बल्ले बड़े मशहूर हैं, जिनको ना मालूम बता दूं कि मेरठ के बल्ले हिंदुस्तान के ज्यादातर क्रिकेटर इसको इस्तेमाल करते हैं और बड़ा मतलब बड़ी गजब की साख है। तो सर, इनकी धुलाई, मगर ना योगी बाबा क्रिकेटर है ना मोदी जी क्रिकेटर है, तो फिर ये बैट का आदान प्रदान क्या संकेत है? ये प्रतीकात्मक है, प्रतीकात्मक है कि अब आपको यहाँ धुलाई करनी है, पिटाई करनी है। तो जब योगी बाबा दे रहे हैं तो उन्होंने एक तरह से कहा कि देखो मेरे पास तो है, मैं आपको भी दे रहा हूँ। तो ये अब वो दोनों क्रिकेट में दो बल्लेबाज पिच पे खेलते भी है, तो यूपी की पिच पे एक तरफ योगी बैटिंग कर रहा है और दूसरी तरफ से उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी बल्ला थमा दिया है और ये 80 पार 400 के बैट का, ये बैट का तिहार जेल भी भेजा जाएगा क्या सर? अब ये बैठ तो ये तो प्रधानमंत्री में, अब प्रधानमंत्री अब मोदी आगे किसको करते हैं? यूपी के संदर्भ में आपने पूछा, बड़ी बहुत बढ़िया आपने इसका सवाल कर दिया कि ये बदला जो है ये आज ही से शुरुआत की प्रधानमंत्री मोदी ने और इनकी तुड़ाई अब बहुत बुरी तरीके से। मेरठ का बदला बड़ा मशहूर है, मेरठ के रहने वाले जानते होंगे, तो अब वो 80 पार स्कोर अब पक्का ने कहा, इसीलिए मुझे लगा कि आपसे बढ़िया से समझा जा सके। बल्ले को जब मैंने देखा, मैं सही कह रहा हूँ मनीष जी, मैंने देखा था तो मैं उसको बड़ा नॉर्मल ले गया था, ट्विटर पे देखा, लेकिन आपने जब पूछा तो मैं समझ गया कि आप क्या शरारत कर रहे हैं सर। यही पत्रकारिता तो ये है ना कि यू समझिए भाई साहब कि मतलब प्रधानमंत्री मोदी तो कोई सचिन तेंदुलकर है नहीं, और नहीं योगी बाबा सुनील गावस्कर है कोई इसमें से, तो ये बैट ना वो टूर्नामेंट का मंच था, ना वो टूर्नामेंट का मंच था, ना मेरठ में कोई स्टेडियम बनने जा रहा था। तो यही संकेत है, संकेतों को प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं ना कि राजनीति के माहिर है, और ये इसीलिए लालू यादव का बेटा हो जाने से कोई लालू यादव नहीं हो जाता राजनीति का, चौथी फेल ही होता है वो, और नेहरू और इंदिरा का पोता नाती हो जाने से कोई नेता नहीं बन जाता, राहुल गांधी पप्पू ही रह जाता है। इसीलिए जब तपता है ना तो निखर करके सोना बनता है, तो पत्रकारिता बस टीवी चैनलों पे डिबेट में उल जुड़ी प्रफुल्ल पटेल पर करने से नहीं होती है, उस फैक्ट को समझना पड़ता है, इसीलिए बैट के मायने को हमने समझने की कोशिश की। हाँ ना, मैं बता दूं कि जिस तरह से आज आपने इंडी गैंग का रामलीला मैदान का आपने प्रपंच देखा होगा टेलीविजन पे, तो इस तरह से किसी ने आपको नहीं समझा कि ये जितने जमा हुए थे एक से एक खलीफा काट के घोड़े, इनकी हैसियत मैंने आपको गिना दी कि 35 से 40 सीट कुल इनको, जितने खरीफा वहां 27-28 जमा थे, ये कुल मिला के 35-40 सीटें जीत के आ रहा है, उनको कैसा है बना रहे थे। तो ये पत्रकारिता की बात की मनीष जी ने, तो ये आपको बताया बिल्कुल। और यदि कोई भी गिफ्ट आपके प्रधानमंत्री को सौंपा जाता है तो भारत को सौंपा जाता है, तो इसका मतलब समझिए कि योगी बाबा ने भारत के हर जन को बल्ला थमा दिया है, तो चुनाव में उसका इस्तेमाल कीजिएगा नोटा सोटा के बदले राष्ट्रद्रोहियों की ठुकाई के लिए। और आप सब 10,000 लोग लगातार लाइव देख रहे हैं, इसे ज्यादा ज्यादा संख्या में शेयर कीजिए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ खबरों के पीछे खबर के लिए नहीं है, खबरों की जो साजिश है उसके पीछे देश के उसे तोड़ने का, उस नैरेटिव को नष्ट करने का जो देश के खिलाफ चल रहा है।